दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित U2 1956 से लेकर 1960 तक सोवियत यूनियन का नींद उड़ा कर रखा हुआ था, क्योंकि ये अमेरिकी स्पाई प्लेन ज्यादातर समय सोवियत यूनियन के ऊपर मंडरा रहा था, और वो भी बिना रशिया के नजर में आए, क्योंकि उस समय के रशिया के पास कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था जो 7000 फीट में उड़ने वाली ड्रैगन लेडी को डिटेक्ट करके मार गिरा सके। ये प्लेन को बनाए हुए करीब 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बात सुनकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे कि 2020 में चाइना जैसे देशों के ऊपर ये स्पाई प्लेन जासूसी करता रहा, और चाइना के सीमा से निकलने के बाद चाइना को इसका भनक लगता है। दोस्तों रूस ने 1960 के दौरान U2 को अपने मिसाइल के जरिए मार गिराया था, क्योंकि अमेरिका को कोई अंदाजा ही नहीं था कि रूस इतनी एडवांस मिसाइल को डेवलप कर चुका है, जिसके बाद ये अमेरिकी U2 विमान ज्यादातर रूस के सीमा से दूर ही रहता था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।